बलूचिस्तान के साहेली ज़िला गवादर से एक ऐसी क्रोकर मछली पकड़ी गई जो कि 1,34,00,000 रुपए से जायद में फरोख्त हुई। जानवरों के तहफ़ से मुतालिक बैनुल अक्वामी इदारे WWF के रिसर्च एसोसिएट सिद्धीर बलोच ने बताया, इस मछली का गोश्त फी किलो 2,80,000 रुपए में फरोख्त हुआ। इससे पहले माहीगीरों की एक टीम ने 18 क्रोकर मछलियां पकड़ी थी, लेकिन ये मजबूरी तौर पर 8,00,000 रुपए तक फरोख्त हुई थी। मछलियों की कीमत का नसार उनके एयर ब्लैडर पर होता है, जिसमें हवा भरने की वजह से वो तैरती हैं। जिस मछली का हजम बड़ा और वज़न ज़्यादा होगा, उसका ब्लैडर भी बड़ा होगा। दूसरा, नर क्रोकर मछलियों के ब्लैडर का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए मादा क्रोकर के मुकाबले में नर क्रोकर की कीमत ज़्यादा होती है। जियोनी से पकड़ी जाने वाली नई क्रोकर मछली का वज़न 48 किलो से ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हुई। आखिर इन मछलियों में ऐसी क्या ख़ास बात है कि एक मछली की कीमत लाखों में है? बाज़ मछलियाँ अपने गोश्त की वजह से ज़्यादा कीमती होती हैं, लेकिन क्रोकर के हवाले से मामला मुख्तलिफ है। क्रोकर मछली का एयर ब्लैडर इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा में दौरान सर्जरी लगाए जाने वाले टांकों, बिलखसूस दिल के ऑपरेशन में, स्टिचिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। सर्जरी में इस्तेमाल के लिए क्रोकर मछली के एयर ब्लैडर के धागे बनाए जाते हैं। इनकी खूबी यह है कि ये जेली की तरह जज्ब हो जाते हैं और ज़ख्म को जमा देते हैं। सर्जरी में टाँके लगाने के बाद इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रोकर मछली के एयर ब्लैडर से बनने वाले सूप को चीन, यूरोप और दीगर सर्द ममालिक में लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे एक परतैश ग़िज़ा का दर्जा हासिल है। जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के अलावा कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से ये रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए भी मुफीद समझी जाती है। क्रोकर मछली का एयर ब्लैडर कास्टमिक्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। माजी में क्रोकर मछली के एयर ब्लैडर को मकामी तौर पर खुश्क किया जाता था और बाद में श्रीलंका भेजा जाता था, जो कि बामुश्किल 100 रुपए में बिकता था। बाद में कराची में फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ तो इस मछली की कीमत 5,000 रुपए तक पहुँच गई, जो अब लाखों तक जा पहुँची है। अब कूलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से क्रोकर के एयर ब्लैडर को यहाँ नहीं निकाला जाता, बल्कि कराची ले जाया जाता है ताकि ये ज़ाय या ख़राब ना हो। मई से जून इन मछलियों के अरूज का मौसम होता है। ये अंडे देने का वक्त होता है, जिसके लिए ईरान और पाकिस्तान का दरमियानी समंदरी इलाका मौजू तरीन है, इसलिए यहाँ बड़ी तादाद में पकड़ी जाती हैं। लेकिन इस मछली का शिकार भी आसान नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर एक इसके शिकार में कामयाब हो। बाज़ माहीगीर ऐसे भी होते हैं कि महीना भर इसके शिकार की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। क्रोकर के शिकार के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ की मदद से इसकी मौजूदगी का पता चलाया जाता है। एक मकामी तरीका ये है, जिसमें पूरे गौल को ही जाल में लाने की कोशिश की जाती है। इसको बलोची ज़बान में अड़ंगा कहा जाता है। इसके लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मुंह पर एक बोतल बांध दी जाती है। माहिर शिकारी इस पाइप को समंदर में डालकर इसका दूसरा सिर्रा अपने कान से लगाकर क्रोकर की आवाज़ सुनते हैं। इससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि मछली कहाँ और कितने फासले पर है और कितनी तादाद में है। जगह का तायुन करने के बाद वो इस मकाम पर जाल फेंकते हैं। बाज़ लोग जो माहिर नहीं होते, वो ऊपर से ही सुनने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं। ये लोग उधर जाते हैं जहाँ लहरें टूट रही होती हैं, और इन लहरों से कुछ फासले पर जाल फेंकते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फाइबर की बनी स्पीड बोट्स हैं, जो अपने जाल शाम को फेंकते हैं और फिर अगले रोज़ निकालते हैं।